एक्शन ड्रामा रोमांस खून खराबे से भरपूर देवरा मूवी का रिव्यू करेंगे आज हम, वो भी बिना स्पॉइलर के। और भाई देवरा मतलब भाभी का देवर नहीं, ये नाम देवताओं से लिया गया है, देवताओं देवरा। तो देवरा का ट्रेलर में जो भी दिखाया गया था फिल्म उसी को पूरी करती है। एक्शन शिंगो से लेकर ड्रामा रोमांस सब कुछ है इसके अंदर। और भाई जूनियर एनडीआर को मानना पड़ेगा, उन्होंने अपने डबल रोल को बहुत ही अच्छी तरह निभाया है। और अनिरुद्ध की बीजेपी ने मतलब बीजीएम ने काफी यहाँ पर एनर्जेटिक वाला काम किया है। मूवी के कोई भी सीन हो, एक्शन वाला रोमांस वाला कहीं भी, इसके बीजीएम एंड म्यूजिक वहाँ पर सेट बैठते हैं पूरी तरह, मतलब फील आती है, ना कि गोट की तरह सामने स्क्रीन पर लड़ाई चल रही है और पीछे रोमांटिक गाना बजा दो। गोट में कुछ ऐसा ही हुआ था, यहाँ पर वो मामला पूरा दम मस्त है, इसके बीजीएम काफी दमदार है। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो गाँव का एक बहुत ही बहादुर आदमी है देवरा, जिसके मरने के बाद गाँव की जिम्मेदारी उसके बेटे पर आ जाती है। और देवरा का बाप यहाँ पर मरा है कि नहीं मरा है वो तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, स्पॉइलर नहीं प्रदान करूंगा मैं। और फिल्म की फर्स्ट हाफ की स्टोरी काफी तगड़ी, काफी एनर्जेटिक, काफी मतलब रोमांस एक्शन हर चीज एकदम परफेक्ट है। लेकिन सेकंड हाफ स्टार्ट होते ही मूवी काफी ज्यादा स्लो फील कराती है हमें। और जानवी कपूर की एंट्री भी उसी हाफ में होती है और उनका रोल बहुत ही छोटा लगा हमें, यहाँ पर आई और चली गई, स्क्रीन टाइम काफी कम दिया उनको, जितना हमने सोचा था उतना तो नहीं दिया। लेकिन फर्स्ट हाफ इसका जितना इंटरेस्टिंग था, सेकंड हाफ इतना स्लो डाउन फील होता है हमें। ओवरऑल इसकी स्टोरी है वो पूरी से प्रेडिक्टेबल है, मूवी देखने वाला कोई भी इंसान अंदाजा लगा सकता है कि आगे क्या होगा, कैसा होगा, और जो आप प्रेडिक्ट करोगे वही होगा आगे। जो चीज आपको कहीं कहीं हल्की सी बोर कर सकती है, यार ये चीज मैं 10 बार चुका हूं यहाँ पर भी, और कहीं कहीं जबरदस्ती की कॉमेडी भी करने की कोशिश की गई है जो कि इतना ओवरऑल सेंस नहीं बनाती यहाँ पर। लेकिन भाई साहब जूनियर एनटीआर एंड शफ अली खान की परफॉर्मेंस वॉज फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। जूनियर एनटीआर तो यार तगड़े हैं, लेकिन यार अपने शफ अली खान तो यार ओजी, बचपन से इनको देखते आ रहे हम लोग, एक नंबर। हर सीन में इन दोनों की परफॉर्मेंस एक नंबर थी। और अगर वीएफएक्स की बात करें तो फिर वो तो काफी ज्यादा एवरेज लगे हमें, जैसे हमने ट्रेलर में देखा था वैसे वीएफएक्स हमें यहाँ पर दिखे। वीएफएक्स एंड स्पेशल इफेक्ट्स का काफी यूज हुआ यहाँ पर, लेकिन वो जो चीजें दिखाई यहाँ पर काफी हद तक नकली लगती हैं। अगर ज्यादा मूवी देखती हो तो फिर आप पकड़ लोगे, लेकिन अगर कभी कभी देखते हो ज्यादा दिक्कत नहीं आपको तो फिर आराम से वो चीज आप पचा सकते हो, मैं नहीं पचा पाया। और जैसे कि कुछ नाइट वाले शॉट थे वो भी हम यहाँ पर काफी अजीब से लग रहे थे, जो यहाँ पर नाइट वाले शॉट थे वो डे वाले शॉट थे, लेकिन यहाँ पर उनको जबरदस्ती नाइट वाले शॉट्स बनाए गए हैं जो कि साफ साफ पता चलता है। बट मूवी के अंदर काफी सारे वाव वाले शॉट्स हैं, वाव वाली फैक्ट्री आपको प्रदान करती है जो कि आपको जरूर पसंद आएंगे। और कंपेयर टू गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थालापति की, तो वो 10 out of 5.5 थी, ये 10 out of 6.5 है, उससे मैं कहता हूँ इनफैक्ट काफी ज्यादा सही है मूवी। अगर आपको छुट्टी है तो फिर आराम से आप लोग देवरा देखने जा सकती हो, एनटीआर के फैंस के लिए मस्ट वॉच है, लेकिन जो रेगुलर व्यूअर्स होते हैं मूवी के उनके लिए वन टाइम वॉच तो जरूर है। वेल क्या आपने देवरा मूवी देखी, आपको कैसी लगी, हमने देखी, हमें अच्छी लगी, ठीक से लगी। लाइक सब्सक्राइब, मिलते हैं फिर।